हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ वो लुस्टर मॉडल की ये पीसीबी, जिसमें कस्टमर का कहना ऐसा है कि इसमें ब्लोअर मोटर की जो स्पीड आनी चाहिए वो स्पीड नहीं आ रही है, एकदम बहुत स्लो स्पीड में चल रही है, जैसे वाइब्रेट कर रहा हो मोटर वैसे चल रही है। आप देख सकते हो कि भी मैंने अभी इसको ऑन किया है, ब्लोअर मोटर के सॉकेट लगा के रखे, ब्लोअर मोटर भी लगा के रखी है। आप देख सकते हो एकदम स्लो स्पीड में ये घूम रहा है, और जब ये स्लो स्पीड में घूमता है तब मेरा ये सीरीज वाला बल्ब जो बड़ा है 100 वाट का बल्ब है वो भी थोड़ा सा ऑन हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें अभी पीसीबी में प्रॉब्लम है, वो अभी सॉल्व करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि ब्लोअर मोटर एकदम स्लो 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 घूम रहा है, इतना स्लो ब्लोअर मोटर नहीं घूमना चाहिए, उसकी जो ओरिजिनल स्पीड होनी चाहिए। वो मैं रिपेयरिंग करने के बाद आपको ये वीडियो में दिखाता हूँ, ये मॉडल में ऐसा प्रॉब्लम आते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक देखो कैसे पीसीबी रिपेयरिंग करके मैं इसमें ब्लोअर मोटर की स्पीड कंप्लीट करता हूँ। ये मॉडल की पीसीबी सिर्फ ब्लूस्टर में नहीं आती है, ब्लूस्टर में, वोल्टास में, ओनिडा में, ग्री में, कैमी प्रो में, लॉयड में, ऐसी 10 से 12 कंपनी में ऐसी सेम टू सेम पीसीबी आती है। तो आपके घर पे कोई सी भी कंपनी की मशीन हो, इसमें सेम ऐसा प्रॉब्लम आवे कि जिसमें मोटर स्पीड ना दे रही हो, वाइब्रेशन कर रही हो, तो आप मेरा कांटेक्ट ज़रूर करना, मैं आपको सिखा दूंगा कि इसमें कैसे आपको रिपेयरिंग करना है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको कॉल पे ही सिखा दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं ये ब्लूस्टर मॉडल की पीसीबी जिसमें ब्लोअर मोटर स्लो घूम रहा था उसको रिपेयरिंग करने के बाद फिर से आपके सामने लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हो मैंने पीसीबी अभी इसको ऑन किया, ये वाला मॉडल है, इसमें ब्लोअर मोटर मैंने लगा के रखा है। अभी आप देख सकते हो कि उसकी स्पीड पहले जैसी मेंटेन हो गई है, रिपेयर होने के बाद देख सकते हो कि एकदम फास्ट स्पीड में घूम रहा है। देख सकते हो कि पहले जितनी स्पीड में घूम रहा था उससे ज़्यादा स्पीड में अभी घूम रहा है, पहले कितनी स्पीड में घूम रहा था वो साइड में आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा अटैचमेंट किया है ब्लोअर मोटर, पहले की जो स्पीड थी उससे अभी इसमें ज़्यादा स्पीड आ गई है। तो आप वो देख सकते हो साइड वाले वीडियो में कि उसमें पहले कितनी स्पीड थी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस पीसीबी में मैंने क्या रिपेयरिंग किया वो जानना हो तो मेरे को कमेंट करो, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि इसमें मैंने क्या रिपेयरिंग किया है। और आपके घर पर ऐसी सेम टू सेम पीसीबी में सेम प्रॉब्लम आता हो तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि उसमें क्या काम करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।